तो दोस्तों, कल जो हमने हेयर टोनर रेडी किया था उसके जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स से आज उसे हम रेडी करेंगे एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क। तो सबसे पहले लेंगे हम मिक्सी का जार, इसमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। इसमें है राइस, फेनेग्रिक सीड एंड कलौंजी, इन सभी को इसमें डालकर हम इसको ग्राइंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो होगा हर्बल पाउडर। इसमें है रीठा, आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, हिबिस्कस। आपके पास जो पाउडर है आप वो ऐड कर सकते हैं, आपके पास खाली आंवला पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, भृंगराज है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये पांचों पाउडर थे तो मैंने ये ऐड किए हैं। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट जो है दोस्तों वो होगा हमारा एलोवेरा जेल। मैंने ये एलोवेरा की लीफ ली है, आपके पास अगर मार्केट बेस है तो आप मार्केट बेस ले सकती हैं। मेरे पास ये इसका प्लांट है तो मैंने एक लीफ इसकी कट करी और उसमें से हाफ लीफ लेकर इसका जो मैं जेल निकाल कर इसमें ऐड कर दूंगी। दोस्तों एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स को रीग्रोथ करता है, अगर हमारे हेयर्स की ग्रोथ रुक जाती है तो उसको रीग्रोथ करता है, शाइन प्रोवाइड करता है, हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करती हैं तो आपकी ये इंच हेयर्स के इंचेस भी बढ़ाता है दोस्तों। एंड हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा ऑलिव ऑयल। मेरे पास ये डिसानो का एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, आपके पास जो ऑलिव ऑयल हो आप वो ऐड कर सकती हैं, या आपके पास कोकोनट ऑयल है आप वो भी ऐड कर सकती हैं, या आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं, या आप जो भी ऑयल इसमें जो भी अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। मैंने ये 1 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया। सभी को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक स्मूथ पेस्ट ये रेडी हो जाएगा। इस पेस्ट को हम अपने किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसको ऐसे ही अप्लाई कीजिए और वीक में एक बार इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों, आपको खुद फ़र्क अपने हेयर्स में दिखाई देगा। मैं दिखाती हूँ इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं दोस्तों। तो पहले अपने हेयर्स को कॉम कर लें अच्छी तरीके से और फिर मांग कर करके इसको रूट्स को कवर करें पहले, फिर लेंथ को कवर करें, फिर जो एंड होता है हेयर्स का हमारा उसको कवर करें, इसको अच्छे से अप्लाई करें। और इसके ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हमारे हेयर्स की लेंथ इंक्रीज करेगा और हमारे जो डैमेज हेयर है इसको रिपेयर करेगा, हमारे हेयर्स में शाइनिंग प्रोवाइड करेगा, हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाएगा। तो आप इसको वीक में एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। और आप इसको हेयर ऑयलिंग नहीं करें बालों में, विदाउट हेयर ऑयलिंग के लगाएं, क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी इसमें यूज़ किया है। तो मास्क से अपने हेयर्स को अच्छे से कवर कर लें और क्लच कर लें। अब हम आपको दिखाते हैं कि आफ्टर हेयर मास्क आपके हेयर्स कैसे दिखते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस तरीके से दिखते हैं, काफ़ी हेल्दी हो गए हैं इस मास्क को लगाने से। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसके जब आप इसको 3 से 4 बार अप्लाई कर लेंगे इस मास्क को, आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे दोस्तों। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें।